अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब्दुल नाफ़े के और हंजला के कैमल काओ और ये सारे बकरे जो कि उन्होंने एक छोटी सी मंडी बनाई है और उन्होंने मुझे और इनाम को भेजा है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बेसिकली ये मेरी खाला है, उनका घर है, और ये जो हंजला और अब्दुल मुताल है उनके नवासिर पोते हैं। तो ये इनाम से बहुत अटैच हैं और मुझसे बहुत अटैच हैं। तो वो लोग उन्होंने भेजा है, मेरी खाला ने, सब ने वहाँ से भेजा है इनाम के लिए। सो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे काओ हैं और पूरी उन्होंने एक छोटी सी मंडी बनाई है, इतना अच्छा लग रहा है। और बकरे हैं, तो मेरी खाला जो है वो वहाँ से इनाम के लिए सब वो भेजती रहती है, क्योंकि इनाम जो है वहाँ पे बकरीद करते थे, लेकिन अभी कोविड की वजह से पिछले 2 साल से नहीं करी और अब ये तीसरी ईद है जो कि इनाम ने वहाँ नहीं करी है। तो इनाम बहुत उदास हैं, तो इस वजह से वहाँ से सबकी वीडियो आती रहती है कि इनाम देख लें। तो ये हंजला हैं, यहाँ पर गए मैं अपना कैमल ख़रीदने के लिए। तो चलें देखते हैं, सुने हंजला क्या बोलते हैं। तो ये हमदे मामू खरीद लिया ना, देखें ये देखें मैंने रस्सी पकड़ी, ये देखें देखें आ रहा है रूट, आ रहा है, बस ना उधर पकड़िएगा जरा, ये देखें ये ऊँट है। तो ये ना कैसा है लिया बताइएगा। ये दो ऊँट ही हैं, ये वाला एक, ये वाला है, ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये वाला जो ऊपर, ये दो, ये पूरी ऊँट मंडी है। तो ये लिए हैं हंजला ने और अब्दुल नाफे ने अपने लिए ऊँट और कुर्बानी के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये बैठे हुए हैं खूब मज़े से, ये लेने के लिए गए हुए हैं माशाल्लाह से, और बहुत प्यारा बेटा है माशाल्लाह से। अच्छा अब मैं इनाम का बताती हूँ आपको, ये इनाम की है कुछ क्लिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पुराने हैं और ये जब हमने वहाँ बकरीद करी थी, तो अभी इनाम बहुत उदास है और मुझे अभी भी कह रहा है हम क्यों नहीं जा रहे मम्मा, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, इंशाल्लाह अब ज़िंदगी रही तो अगले साल ज़रूर जाएंगे। तो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है इनाम, तो इतना क्रेज़ है उसको, तो एनिमल का सबसे फेवरेट उसका बकरा है, तो उसके नाना उसके लिए पहले से ही बकरा ला के घर में खड़ा कर देते हैं कि इनाम के लिए स्पेशल वो बकरा आता है, बाद में फिर और जानवर आए तो आए, लेकिन पहले इनाम के लिए एक बकरा ज़रूर आ जाता है। तो रात दिन बस उसी के साथ रहता है और उसी की खिदमतें करता रहता है, तो बहुत उसको क्रेज़ है जानवरों का और अभी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो बहुत उदास हो रहा है। तो इसीलिए मेरी खाला, तो वो लोग सब बच्चे वीडियो बना बना के इनाम को भेजते रहते हैं कि इनाम देखें। तो एनीवे बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग बकरीद पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह ताला बस हम लोग को दोबारा ले जाना वहाँ नसीब करें। सो ये देखें बस इनाम जो है ना, बस रात दिन इसका यही काम होता है, जब वहाँ पर होता है तो सोता भी बड़ी मुश्किलों से, बस हर वक्त बकरे के साथ रहना, और जब वो कट जाता है बेचारा तो तब ही जाके उसको सुकून मिलता है। ये देखें अपने नाना अबू के साथ जाकर और वहाँ से इसके लिए बकरे के लिए खाना लेकर आया है। तो चलें जी, अपनी बहुत सारी दुआएं मुझे याद रखिएगा, हज का टाइम है और प्लीज़ बहुत दुआएं करिएगा। सो इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।